नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो पावर में आते हैं, तो वो राजनीतिक जो बंदी हैं उनको छोड़ देंगे। इनको किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, चाहे जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके हो। और पिछले 10 साल से केंद्रीय सरकार अलगाववादी ताकतों को अलग थलग करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लाने का सार्थक प्रयास कर रही है। अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो मुख्य विकास हो रहा है, जो इनको पच नहीं रहा है। तो जिनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी बड़ी देर से जेलों में बंद है। जम्मू कश्मीर में जिसे भी राजनीति करना है, वो राष्ट्र के मुख्य धारा में आके राष्ट्रहित की बात करे। अलगाववादी को समर्थन करने वालों को जम्मू कश्मीर कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो काफी देर से किसी बड़े की क्राइम में या कोई बड़े उसमें जिन्होंने हीनेस क्राइम में, उनको जो है हम रिहा करवा देंगे। ये वही पार्टी है जो कहते थे कि तिरंगा को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकल रही है। उमर अब्दुल्ला जी का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा वक्तव्य जो है, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला होगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, तथा जनता ने इसे पहले भी नकार दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक रामाचार से। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को लुभाने का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो पावर में आते हैं, तो वो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे। आज इस खबर को थोड़ा विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं, लोगों की राय भी जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं, क्या जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेंशन किया गया है, ये फैसला सही है या गलत। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम कानून व्यवस्था के लिए एक गलत संदेश देता है और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह प्रस्ताव उन तत्वों को प्रोत्साहित कर सकता है जो क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक बंदियों की रिहाई से अलगाववादी और चरमपंथी ताकतों को बल मिल सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर में किए गए विकास और स्थिरता के प्रयासों पर नकारात्मक असर डाल सकता है और क्षेत्र की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या नाम है सर आपका? मैं विक्रमपुरी, चेयरमैन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज विंग जम्मू। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार 2024 के मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये लिखा है कि अगर वो पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा कर देंगे, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए जी, बहुत सारे जो है प्रिजनर जो कैद हुए हैं, वो कोई उनके कोई हीनियस क्राइम नहीं है या काफी देर से जो है इन लोगों को कैद करके रखा हुआ है। तो जिनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी बड़ी देर से जेलों में बंद है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तो हम इन लोगों को जो है जो काफी देर से किसी बड़े की क्राइम में या कोई बड़े उसमें जिन्होंने हीनियस क्राइम में, उनको जो है हम रिहा करवा देंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में? जी जी, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रभात हिंदू। अच्छा प्रभात जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ देंगे, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर ये पीडीपी है, ये अब नंगे हो गए हैं। इनको किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, चाहे जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके हो। इनको चौमुखी विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो शांति है, इनके शासनकाल पे हमारे सेना पे हमले होते थे, उन पे पत्थर मारा जाता था, यात्रा बिल्कुल बंद हो गई थी।
अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है, जम्मू कश्मीर में तो मुख्य विकास हो रहा है, जो इनको पच नहीं रहा है। ये वही पार्टी है जो कहते थे कि तिरंगा को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो ये इनको पच नहीं रहा है। ये चाहते हैं कि जम्मू में फिर से पहले जैसे माहौल हो, आतंकवाद बढ़े, खून खराबा हो, और उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, तथा जनता ने इसे पहले भी नकार दिया है, अभी पिछले चुनाव में दोनों मुंह की खाए हैं, उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिसे भी राजनीति करना है वो राष्ट्र के मुख्य धारा में आके राष्ट्रहित की बात करे, अलगाववादी को समर्थन करने वालों को जम्मू कश्मीर कभी स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय हिंदू है, मैं राष्ट्रीय हिंदू वाणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार के मैनिफेस्टो में, 2024 के मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो पावर में आते हैं, तो वो राजनीतिक जो बंदी हैं उनको छोड़ देंगे। इस फैसले को, इस मैनिफेस्टो में ये जो चीज रखी है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते तथा राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे जोर देके कहना चाहता हूं कि उनका यह है जो मैनिफेस्टो में ये वक्तव्य है, सर्वथा अनुचित है। जहां एक और पिछले 10 साल से केंद्रीय सरकार अलगाववादी ताकतों को अलग थलग करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लाने का सार्थक प्रयास कर रही है, ऐसे समय के अंदर उमर अब्दुल्ला जी का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा वक्तव्य जो है ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला होगा। राष्ट्रीय हिंदू वाणी इसकी बिल्कुल निंदा करती है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ। धन्यवाद। तो लोगों की राय भी आपने जानी, लोग भी ये मानते हैं कि इन लोगों को, इन बंदियों को, इन राजनीतिक बंदियों को अगर रिहा कर दिया तो माहौल खराब हो सकता है। जो प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर 370 को, धारा 370 को हटाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं, वो सब के सब विफल हो जाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।